नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट कॉमन क्वालिटी एश्योरेंस क्वेश्चंस विद आंसर्स फॉर इंटरव्यू। तो क्वालिटी एश्योरेंस के इंटरव्यू के लिए जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आंसर के साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस। तो QA को हमने डिफाइन करना है। तो QA क्या है? QA इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंसेप्ट कंटेन्स ऑल द मैटर्स दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। QA क्या है? एक ब्रॉड रेंज कंसेप्ट है जो कि कंटेन करता है ऑल मैटर्स दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, मतलब कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी को इंडिविजुअली या कलेक्टिवली इफेक्ट करता है। QA मेनली कंसंट्रेटेड ऑन प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो QA का जो मेन फोकस होता है वो होता है प्लानिंग पर और प्रोसीजर को डॉक्यूमेंटेड करने का और प्रोडक्ट क्वालिटी को एश्योर करने का। तो QA का यही मेन फोकस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज QA इन फार्मा इंडस्ट्री? फार्मा इंडस्ट्री में QA क्या होता है? इन द फार्मा इंडस्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस इज एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू अ सेफ एंड कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड। QA फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको QA ही एंश्योर करता है कि वो सेफ बने और कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड के बने हैं। QA इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड दैट रेफर्स टू एनी एस्पेक्ट दैट मे अफेक्ट एंड ड्रग्स क्वालिटी ड्यूरिंग इट्स रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स फेजेस। QA का एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कि ड्रग क्वालिटी को ड्यूरिंग रिसर्च में डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स फेसेस में अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन QC एंड QA। QA प्रोवाइड्स अ कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोडक्ट विल फुलफिल द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। QC डिटरमाइंस एंड मेजर द प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल। तो QA क्या काम करता है? एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और या जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट वो कम्प्लीटली फुलफिल की गई है। और QC क्या करता है? डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल को मेज़र करके। तो क्या है? QC डिटरमाइन करेगा क्वालिटी लेवल को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सपेंड CGMP एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GMP एंड CGMP। तो CGMP नोन एज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इट इज़ अ USFDA regulations to assure proper design, manufacturing and control of manufacturing processes and services. तो CGMP क्या है? USFDA regulation है जो एश्योर करती है प्रॉपर डिज़ाइन को, मैन्युफैक्चरिंग को, कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल को और उसकी सर्विसेज को। GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। दीज आर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस गिवन बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक श्योर दैट अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड विद सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो GMP क्या है? GMP गाइडलाइन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA द्वारा दी गई है और जो ये बताती है कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ्टी के साथ और पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया गया है। तो C इन CGMP मीन्स करंट। तो क्या है? जो C है GMP में उसका मतलब है करंट। इट रेफर्स टू रिसेंट एंड एडवांस अपडेट्स टू दीज स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। CGMP इज अप टू डेट स्टैंडर्ड रेफरेंस गाइडलाइन। तो CGMP क्या है? एडवांस है, अपडेट गाइडलाइन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेल मी एनी 5 कंट्रीज विद देयर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ये क्वेश्चन भी कॉमनली पूछा जाता है। तो आंसर हम देते हैं, जैसे इंडिया का है, क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। USA का है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA, बहुत कॉमन है। UK का है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA। जापान का है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर MHLW। और ऑस्ट्रेलिया का है थेरोपेटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन TGA। और ब्राज़ील का है ANVISA। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज SOP? आंसर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब इन अ स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन फ्रॉम हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और ऑपरेशन।
एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क या ऑपरेशन या किसी प्रोसीजर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करेंगे और हमें उसे किस तरह से परफॉर्म करना है एक्यूरेटली। एवरीवन इन अ कंपनी मस्ट फॉलो द सेम प्रोसीजर टू एश्योर दैट टास्क आर परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली। तो एसओपी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि क्या है, जो भी हर एक पर्सन है कंपनी के अंदर उसको क्या सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि है ये एश्योर किया जा सके कि जो टास्क परफॉर्म हुआ है वो कंसिस्टेंटली यानी कि सेम है। जब सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो क्या है, टास्क भी कंसिस्टेंट है और उसको करेक्टली फॉलो किया गया है। मोस्ट कंपनीज हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ एसओपीज दैट डिस्क्राइब हाउ टू डू डिफरेंट टास्क। बहुत सी कंपनीज में क्या है, बहुत तरह की अलग अलग तरह की एसओपीज होती हैं और वो डिस्क्राइब करती हैं कि किसी भी टास्क को किस तरह से करना है। इन मैनी कंपनीज टेक्नीशियंस एंड ऑपरेटर्स आर ट्रेन इन हाउ टू फॉलो इंडिविजुअल एसओपीज एंड देयर ट्रेनिंग रिकॉर्ड स्पेसिफाई विच एसओपीज दे आर ट्रेन ऑन एंड आर ऑथराइज टू यूज। बहुत सी कंपनीज में क्या होता है, टेक्नीशियंस को और ऑपरेटर्स को ट्रेन किया जाता है कि उन्हें किस तरह से एसओपी को फॉलो करना है और उनकी किस तरह से ट्रेनिंग हुई है और उस ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू ही स्पेसिफाई किया जाता है कि उन्होंने उस एसओपी को किस तरह से वो ट्रेंड हुए हैं और उनको फिर ऑथराइज किया जाता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को, मशीन को या किसी भी तरह के मशीन या प्रोसेस को किस तरह से वो कर सकते हैं, उनको ऑथराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड IQ OQ PQ और DQ। तो IQ क्या होता है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, OQ है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, PQ है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, DQ है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। तो ये क्या है, IQ OQ PQ DQ ये किसी भी क्वालिफिकेशन, कोई भी मशीन है अगर हमारी इंस्टॉल हो रही है या कोई भी एक सिस्टम इंस्टॉलर है उसका क्या है, एक प्रोसीजर परफॉर्मेंस को बताता है जो कि इनिशियली स्टार्ट होगा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन से, उसके बाद इंस्टॉल होगा, फिर ऑपरेशन, फिर परफॉर्मेंस। तो ये क्या है, पूरे एक क्वालिफिकेशन के पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सपेंड BMR एंड BPR। तो BMR इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इज प्रिपेयर्ड एज अ रिटन फाइल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट बाय राइटिंग स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिटेल्स अबाउट बैच रिकॉर्ड हेयर। तो BMR क्या है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है जो कि एज अ रिटन फाइल प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट के टाइम पर बाय राइटिंग, और उसमें क्या है स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं और उसके जो डिटेल्स हैं वो लिखे जाते हैं और पूरे बैच जो उसमें मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी पूरी डिटेल इस BMR में रहती है। BPR इज बैच पैकिंग रिकॉर्ड इज कैप्ट फॉर एवरी BMR। BPR इज डिपेंड्स ऑन पैकेजिंग ऑपरेशन। BPR क्या है, हर एक BMR के साथ जरूर होगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर हुआ है उसको पैकिंग तो करना पड़ेगा ना। तो BPR इज डिपेंड्स ऑन पैकेजिंग ऑपरेशन और BPR जो है पैकेजिंग ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा BPR होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेबिलिटी स्टडीज। दीज आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इट हैज़ टू इवेल्यूएट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट इज API और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। स्टेबिलिटी स्टडी क्या है, बहुत ज़रूरी है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डेवलप कराने के लिए। इससे क्या है, हमें हेल्प मिलती है और हम इवेल्यूएट कर पाते हैं कोई भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा, इससे क्या ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन API और फार्मास्यूटिकल जो फार्मूलेशन है उस पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इफेक्ट को हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। सेल इज बिगर इन साइज, साइज 0 और साइज 1। इसका आंसर है 0 साइज। अब 0 साइज क्यों है, क्योंकि 1 तो बड़ा होता है बेसिकली और 0 छोटा। तो बात करते हैं हम रीज़न की कि 0 साइज क्यों बड़ा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 000 जो है वो सबसे बड़ा कैप्सूल होता है जिसमें कि 1000 mg तक की अप्रोक्स फिलिंग हो जाती है, और अगर 00 की बात करें तो 00 का क्या है जो 700 और 735 mg के अबाउट जिसमें फिलिंग हो जाती है। अब बात करें अगर 0 की तो 0 साइज वाले कैप्सूल में अप्रोक्स 500 mg
तक की फिलिंग हो जाती है, और जो साइज वन का कैप्सूल है उसमें अप्रोक्स 350 to 400 mg तक की फिलिंग हो सकती है। तो इसी वजह से क्या है, जो 1 mg और जो 1 साइज का जो कैप्सूल है वो 0 साइज के कंपैरिजन में छोटा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई डू वी कंसिडर 3 कंसेक्यूटिव रन्स और बैचेस फॉर प्रोसेस वैलिडेशन, व्हाई नॉट 2 और 4? अब बात आती है प्रोसेस वैलिडेशन में, जो हम 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स चलाते हैं या जो रन चलाते हैं बैचेस को कंसिडर करते हैं, तो हम लोग उसमें 2 या 4 को क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर है, द नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस इन द वैलिडेशन एक्सरसाइज शुड बी सफिशियंट टू अलाउ द नॉर्मल एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन एंड ट्रेंड्स टू बी एस्टेब्लिश एंड टू प्रोवाइड सफिशियंट डाटा फॉर इवेल्यूएशन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी वैलिडेशन करें तो हम उनको क्या है, ऑब्जर्व कर सकें और उनकी ट्रेंडिंग एक सेट कर सकें, जिससे कि एक हमारे पास एक सफिशिएंट डेटा आ जाए और हम उसको इवेल्युएट कर सकें और अपने रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उस वैलिडेशन में हम ये देखें कि वो रिप्रोड्यूसिबल हैं या नहीं है। बेसिकली अगर हम लोग जो वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेशन में हमारा जो मेन मोटिव है वो वैलिडेशन करने का यही है कि हमें कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट चाहिए, जिसके लिए हमारे पास एक सफिशेंट डाटा हो और हम उसको इवेल्यूएट भी कर सकें। अब बात करते हैं, इन केस हमने फर्स्ट बैच अगर लिया, हमने चलाया प्रोसेस वैलिडेशन में, तो फर्स्ट बैच क्वालिटी इज एक्सीडेंटल या कोइंसिडेंटल, यानी कि हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं अगर सही आए हैं तो वो क्या एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं और कोइंसिडेंटल भी हो सकते हैं। अगर हमने सेकेंड बैच रन किया तो सेकेंड बैच क्वालिटी इज रेगुलर और एक्सीडेंटल। अब सेकेंड बैच का जो हमने रन लिया है बैच का, उसमें भी क्या है एक एक्सीडेंटल हमारे जो रिजल्ट से आ सकते हैं और हम ये बोल देंगे कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट से। बट अगर बात करें तो फर्स्ट बैच की, उसमें क्या जो हमारे रिजल्ट आया वो कोइंसिडेंटल हो सकता है, सेकेंड बैच जब हमने रन करा तो उसमें एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन जब हम थर्ड बैच क्वालिटी इज वैलिडेशन की बात करें तो उसमें हम बोलेंगे कि कन्फर्मेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट बैच का रिजल्ट था वो कोइंसिडेंटल हो सकता है, सेकेंड बैच का जो रिजल्ट आता है हमारा वो एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन थर्ड बैच तो कन्फर्मेशन ही होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट की। रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट यानी कि बार बार एक ही जैसे रिजल्ट्स, सेम रिजल्ट्स एक्सीडेंटल या कोइंसिडेंटल नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको बोलेंगे कन्फर्मेशन। तो इसलिए हम लोग क्या है 3 कंसेक्यूटिव रन्स और बैचेस लेते हैं प्रोसेस वैलिडेशन के लिए। अब बात करते हैं 2 और 4 क्यों नहीं लेते। 2 इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम एश्योर ही नहीं कर पाते कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो डेटा है वो रिप्रोड्यूसिबल डेटा हमें प्रोवाइड करा भी पा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। अगर हम 4 बैचेस ले लेते हैं तो सीधी सी बात है, जब हम 3 बैच में हमने जब कंफर्म कर लिया तो 4 बैच को अगर हम कंसिडर करते हैं, रन कराते हैं, तो उससे क्या हम तो टाइम और कॉस्ट जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात, हम टाइम वेस्ट करेंगे और जो हमारा कॉस्ट उस पर आएगा सीधी सी बात है वो तो वेस्ट होगा ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द कॉमन वेरिएबल्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स? तो टैबलेट्स के क्या है कॉमन वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स के जो कॉमन वेरिएबल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। पार्टिकल साइज होता है ड्रग सब्सटेंस। तो आंसर इसका क्या है, इसमें कुछ अलग अलग वेरिएबल्स हैं हमारे, जैसे मैंने बताया पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस का पार्टिकल साइज क्या है, बल्क डेंसिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और एक्सिपिएंट, जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी और एक्सिपिएंट की क्या बल्क डेंसिटी है, पाउडर लोड इन ग्रेनुलेटर, अमाउंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बाइंडर कि हमने बाइंडर की कंसेंट्रेशन और कितना अमाउंट उसको यूज किया है, मिक्सर स्पीड एंड मिक्सिंग टाइमिंग्स हमने किस स्पीड से मिक्स किया है और कितने टाइम के लिए किया है, ग्रेनुलेशन मॉइस्चर कंटेंट ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, बिलिंग कंडीशंस, लुब्रिकेट, ब्लेंडिंग टाइम्स, टैबलेट हार्डनेस एंड कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे रेट। तो ये सब क्या है कॉमन वेरिएबल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग और टैबलेट्स के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ स्टिकिंग ऑब्जर्व ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन व्हाट मे द प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम? तो क्या है कंप्रेशन के दौरान, अगर टैबलेट कंप्रेशन के दौरान क्या है स्टिकिंग हो रही है तो उसके क्या रीजन होंगे? तो रीजन देख लेते हैं, इफ द ग्रेन्यूल्स आर नॉट ड्राइड प्रॉपरली, सीधे जो आता है अगर ग्रेन्यूल्स हैं अगर वो ड्राइड ही नहीं है तो स्टिक करेंगे करेंगे, स्टिकिंग हो सकती है। टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगर हमने लुब्रिकेंट को कम यूज किया है या प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं किया है तो भी क्या स्टिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बाइंडर को हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, टू मच बाइंडर, तो भी स्टिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और हाइग्रोस्कोपिक ग्रेनुलर, सीधे से बात है जब ग्रेनुलर जब हाइग्रोस्कोपिक है तो मॉइस्चर कंटेंट क्या है कैरी कर
करेगा ही, और जब कैरी करेगा तो स्टिकिंग की प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिस्ट आउट द अपीयरेंस डिफेक्ट्स ऑफ टेबल्स ड्यूरिंग कंप्रेशन एक्टिविटी। अब हम यहाँ बात करने वाले डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स ड्यूरिंग कंप्रेशन एक्टिविटी, ये कंप्रेशन एक्टिविटी के दौरान कि किस तरह के जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो आंसर में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कैपिंग, लेमिनेटिंग, स्टिकिंग और फिल्मिंग और क्रैकिंग, चिपिंग, मॉडलिंग और डबल इम्प्रेशन। तो ये सब क्या है, कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो कि आ सकते हैं कंप्रेशन एक्टिविटी के दौरान। अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। कैपिंग, कैपिंग क्या है? तो कैपिंग इज द टर्म यूज व्हेन द अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ द टैबलेट सेपरेट हॉरिजॉन्टली। तो क्या है, जब कैपिंग कब होता है, जब उसके जो टैबलेट का अपर और लोअर सरफेस क्या हॉरिजॉन्टली सेपरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिंग। आइदर पार्शली और कम्प्लीटली, ये पार्शली भी हो सकता है कम्प्लीटली भी हो सकता है, फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ टैबलेट एंड कम्स ऑफ एज अ कैप। और ये इस तरह से हट जाता है कि जैसे कि कैप हट गई हो, ड्यूरिंग इजेक्शन फ्रॉम द टैबलेट प्रेस और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग। और ये प्रॉब्लम किसी भी तरह से आ सकती है, इजेक्शन फ्रॉम द टैबलेट प्रेस से आ सकती है, सब्सिक्वेंट हैंडलिंग से आ सकती है। अब बात करते हैं लेमिनेटिंग की। लेमिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। कैपिंग में क्या था कि अपर और लोअर सेगमेंट से क्या टैबलेट क्या हॉरिजॉन्टल सेपरेट हो जाएगी। अब बात करें अगर लेमिनेटिंग की, तो लेमिनेटिंग में भी सेम उसी तरह से होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेयर ही सेपरेट होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, टू और मोर लेयर्स, यानी कि इसमें एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा भी लेयर सेपरेट हो सकती है। उसमें तो सिर्फ अपर और लोअर में था। मैंने यहाँ पर पिक भी दिखाई है, आप पिक में भी देख सकते हैं कैपिंग और लेमिनेशन में डिफरेंस। अब बात करते हैं स्टिकिंग और फिल्मिंग की। स्टिकिंग रिफर्स टू द टैबलेट मटेरियल एडहेरिंग टू द डाई वॉल। तो स्टिकिंग क्या है, जो भी टैबलेट है, टैबलेट मटेरियल क्या है, अगर वो डाई वॉल से स्टिक कर जाता है तो हम उसे स्टिकिंग बोलते हैं। फिल्मिंग इज अ स्लो फॉर्म ऑफ स्टिकिंग एंड इज लार्जली ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर इन द ग्रेनुलेशन। अगर ग्रेनुलेशन के टाइम पर मॉइस्चर एक्सेस में है तो उससे भी क्या है, फिल्मिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं क्रैकिंग की। स्मॉल फाइन क्रैक ऑब्जर्व ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सर्फेस ऑफ द टैबलेट और वेरी रेयरली ऑन द साइड वॉल आर रेफर टू एज क्रैक्स। तो क्रैक्स क्या होते हैं, स्मॉल फाइन क्रैक्स कहाँ पर, एक तो अपर और लोअर सेंटर सरफेस पर टैबलेट्स की हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और रियरली जो साइड उसकी वॉल्स होते हैं उस पर भी जो हम क्रैक्स ऑब्जर्व करेंगे उसको हम क्रैक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं चिपिंग की। चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस, यानी कि अगर टैबलेट की एजेस अगर ब्रेक हुई हुई है तो हम उसको चिपिंग बोलेंगे। व्हाइल द टैबलेट लीव द प्रेस और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड कोटिंग ऑपरेशन। तो सीधी सी बात है, तो जो एजेस होंगे वो किसी भी वजह से ब्रेक हो सकती है, लीव द प्रेस, अगर जब वो टैबलेट जब प्रेस हो रही है उस समय लीव कर सकती है अपने एजेस को। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग हो सकता है, कोटिंग के ऑपरेशन के दौरान भी एजेस ब्रेक हो सकती है। अब बात करते हैं मॉडलिंग की। मॉडलिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट। आपने कई बार देखा होगा कि जो टैबलेट है उसका कलर, इनकेस अगर ऑरेंज कलर की है तो जो ऑरेंज कलर है कई बार क्या है, यूनिफॉर्म नहीं रहता, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं कि मॉडलिंग। मॉडलिंग का यही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट। अब बात करते हैं डबल इम्प्रेशन की। डबल इम्प्रेशन इन्वॉल्व ओनली दोज पंचेस विच हैव अ मोनोग्राम और अदर एनग्रेविंग ऑन देम। अब बात करें अगर डबल इम्प्रेशन की, डबल इम्प्रेशन क्या है, कोई भी मोनोग्राम यह क्या बार बार उस पर छपाई हो गई तो वो क्या है, डबल इम्प्रेशन की प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें क्या है दिखा रखा है कि किस तरह के कंप्रेशन के दौरान डिफेक्ट्स आ सकते हैं जो कि विजुअल डिफेक्ट्स है। सबसे पहले जो विजुअल डिफेक्ट्स होंगे वो प्रोसेस रिलेटेड हो सकते हैं, फॉर्मुलेशन रिलेटेड हो सकते हैं और मशीन रिलेटेड हो सकते हैं। तो प्रोसेस रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होंगे वो होगा कैपिंग, लेमिनेशन, क्रैकिंग, चिपिंग। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स की, उसमें क्या होगा, स्टिकिंग हो सकती है, पिकिंग हो सकती है, बाइंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, डबल इम्प्रेशन। अगर प्रोसेस सही है नहीं है तो कैपिंग की, लेमिनेशन की, जैसे कि हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन की जो क्रैकिंग क्रैक्स आ गए, चिपिंग की और स्टिकिंग की प्रॉब्लम आएगी। फॉर्मुलेशन से क्या है, तो फॉर्मुलेशन से क्या है, स्टिकिंग की और पिकिंग और बाइंडिंग की प्रॉब्लम आएगी। स्टिकिंग की प्रॉब्लम प्रोसेस रिलेटेड नहीं है, मशीन रिलेटेड क्या है, डबल इम्प्रेशन की प्रॉब्लम है। डबल इम्प्रेशन प्रॉब्लम क्या है, मशीन रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस टैबलेट हार्डनेस। जो टैबलेट की हार्डनेस है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर
इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स जितना ज़्यादा होगा टैबलेट्स की हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी। बाइंडर क्वांटिटी, मोर बाइंडर मोर हार्डनेस, तो जितना ज़्यादा हम बाइंडर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हार्डनेस ज़्यादा होगी, मॉइस्चर कंटेंट। तो ये तीन के बेसिक तीन फैक्टर्स है हार्ड टैबलेट हार्डनेस के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई डू वी चेक हार्डनेस ड्यूरिंग इन प्रोसेस चेक्स। तो इन प्रोसेस चेक में हम लोग हार्डनेस को क्यों चेक करते हैं, टू डिटरमाइन नीड फॉर द प्रेशर एडजस्टमेंट ऑन द टैबलेटिंग मशीन। तो प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या है, जो टैबलेट की हार्डनेस है उसको चेक करते हैं। हार्डनेस कैन अफेक्ट द डिसइंटीग्रेशन टाइम, और हार्डनेस की वजह से क्या डिसइंटीग्रेशन टाइम भी अफेक्ट करता है। इफ टैबलेट इज टू हार्ड इट मे नॉट डिसइंटीग्रेट इन द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। अगर टैबलेट हमने बहुत हार्ड बना दिए जो कि नहीं बनानी थी तो क्या डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या बढ़ जाएगा। एंड इफ टैबलेट इज टू सॉफ्ट इट विल नॉट विदस्टैंड हैंडलिंग एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग सच एज कोटिंग पैकिंग एटसेट्रा। इन केस अगर हमने टैबलेट काफ़ी सॉफ्ट बना दी, हार्ड नहीं बनी है, तो क्या उसको हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम होगी, सब्सिक्वेंट जो प्रोसेसिंग होगी जैसे कोटिंग है पैकिंग है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, और वो डिसइंटीग्रेशन टाइम में भी फेल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नीड्स टू बी चेक ड्यूरिंग इन प्रोसेस क्यूए चेक्स। तो के चेक्स के लिए इन प्रोसेस में क्यूए क्या चेक करता है, सबसे पहले ये इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा हुई है या नहीं हुई। मेजर वैल्यूज ऑब्टेंड फ्रॉम द प्रोसेस इक्विपमेंट, जैसे कि टेम्परेचर आरपीएम। थर्ड है मेजर्ड वैल्यूज ऑब्टेंड फ्रॉम पर्सन्स, जैसे एग्जांपल है टाइमिंग एंट्रीज। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स है जैसे हो गया वेट हार्डनेस फ्लेबिलिटी एट्सेट्रा। तो ये सब क्या प्रोसेस इंस्ट्रक्ट्स हैं क्यूए के। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई डू वी कैलिब्रेट अ क्वालिफाइड इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑन डेफिनेट इंटरवल्स। कि हम लोग बार बार अपने जो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बार बार क्यों कैलिब्रेट करते हैं। एंड इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट कैन ड्रिफ्ट आउट ऑफ एक्यूरेसी बिटवीन द टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्चुअल यूज। क्वालिफिकेशन के टाइम पर जो हमारे रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट आ रहे थे वो हमारे एक्चुअल यूज पर डेली में किस तरह से रिजल्ट आ रहे हो, कुछ लॉन्ग टाइम तक जब हम उसको यूज करते हैं तो क्या है एक एक्यूरेसी ड्रिफ्ट हो सकता है। इस वजह से क्या है हम लोग बार बार रेगुलर इंटरवल्स पर कैलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिकमेंडेड टू कैलिब्रेट एंड रिकैलिब्रेट द मेजरिंग डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑन प्रीडिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। और जब हम बार बार कैलिब्रेट कर लेते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे तो क्या हमारे जो एक्यूरेसी का है, जो डेटा मिलता है एक्यूरेसी का, उससे क्या हम कॉन्फिडेंस गेन होता है हमें, और हम लोग एश्योर कर पाते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही वर्क कर रहा है। जैसे कि हमारे क्वालिफिकेशन पे टाइम पर हमें जो रिजल्ट्स मिले थे उसी तरह से वो आज भी वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो कैलिब्रेशन इज अ डेमोंस्ट्रेशन दैट अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स बाय कंपैरिजन विद दोस प्रोड्यूस्ड बाय अ रेफरेंस और ट्रेसिबल स्टैंडर्ड ओवर एन एप्रोप्रिएट रेंज ऑफ मेजरमेंट्स। तो बात करें कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन वो है कि एक स्टैंडर्ड के रेफरेंस में जो हम मेजर करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को, और जो उसके रिजल्ट्स आते हैं या जो भी उसके लिमिट्स आती हैं वो हमारी क्या है कंपेरेबल हों और नियर बाय हों हमारे स्टैंडर्ड के, तो हम उसे क्या बोलते हैं कैलिब्रेशन। और बात करें अगर वैलिडेशन की, वैलिडेशन इज अ डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट अ स्पेसिफिक प्रोसेस मेथड और सिस्टम कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ रिजल्ट मीटिंग प्रीडिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो बेसिकली वैलिडेशन के टाइम पर हम किसी भी तरह का कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करते जो कि हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वैलिडेशन का एक डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम है जिससे कि हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस हमें मिलता है एक किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए, मेथड के लिए और सिस्टम के लिए, जो कि कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और जो हमारा प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा उसको क्वालिफाई करेगा। तो बेसिकली क्या है, इन कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इज कंपेयरिंग अगेंस्ट अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो क्या हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में अपने इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस को देखेंगे। बट इन वैलिडेशन सच रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नॉट यूजिंग, और वैलिडेशन के किस में इस तरह के हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज नहीं करते। कैलिब्रेशन एंश्योर्स दैट इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग डिवाइस प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो क्या है कैलिब्रेशन क्या करता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट या हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है वो ये शो करता है कि हमारा वो क्या है एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। वेरस अगर बात करें वैलिडेशन के, वैलिडेशन डेमोंस्ट्रेट दैट अ प्रोसेस इक्विपमेंट मेथड और सिस्टम
रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एयर चेंजेस इन एन एरिया। आंसर है नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आर इन एन एरिया इज इक्वल्स टू टोटल रूम एयर फ्लो इन CFM इनटू 60 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम इन क्यूबिक फीट। फॉर कैलकुलेटिंग टोटल रूम एयर फ्लो इन CFM फर्स्ट कैलकुलेट एयर फ्लो ऑफ इंडिविजुअल फिल्टर, यानी कि हमें इंडिविजुअल फिल्टर का अलग से टोटल एयर फ्लो निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल फिल्टर का जो एयर फ्लो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एयर फ्लो के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू एयर एवरेज एयर वेलोसिटी इनटू फिल्टर साइज, देन हम लोग टोटल एयर फ्लो निकालेंगे सम ऑफ एयर फ्लो ऑफ इंडिविजुअल फिल्टर। और एयर फ्लो वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर, और एनीमोमीटर की हेल्प से हम क्या एयर वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ अबाउट ICH गाइडलाइन स्टेबिलिटी गाइडलाइंस। हम यहाँ पर क्या है कुछ ICH की स्टेबिलिटी गाइडलाइंस है। QA1A स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स, Q1B फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट, Q1C स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म्स, Q1D ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स, Q1E है इवेल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा, और Q1F है स्टेबिलिटी डेटा पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन क्लाइमेटिक जोन 3rd and 4th। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सपेंड ICH टेल मी अबाउट ICH गाइडलाइंस। तो ICH के लिए क्या है, ICH नोन एज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज। इट ब्रिंग्स द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज टुगेदर टू डिस्कस द ड्रग रजिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ये क्या करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं ड्रग रजिस्ट्रेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को। द एम ऑफ द ICH टू एनहेंस द हार्मोनाइजेशन वर्ल्ड वाइड टू मेक श्योर दैट सेफ हाई क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग्स आर डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो ICH का जो मेन एम है वो क्या है, हार्मोनाइजेशन के लिए जो कि वर्ल्ड वाइड जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सेफ हो, हाई क्वालिटी हो और इफेक्टिव हो, और इफेक्टिवली उनको डेवलप किया जाए और रजिस्टर्ड किया जाए बहुत ही मोस्ट एफिशिएंट मैनर में। ICH प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन 4 एस्पेक्ट डेट इज क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। तो ICH क्या है 4 एस्पेक्ट्स में गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है जो कि है क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए और मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज। लॉन्ग टर्म 12 मंथ्स, एक्सेलरेटेड स्टडीज 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट चेंज कंट्रोल। तो चेंजेस विच वर मेड टू मटेरियल्स प्रोसीजर्स और मेथड्स और इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली। तो चेंज कंट्रोल क्या है, किसी भी मटेरियल में, प्रोसीजर में, मेथड में, इक्विपमेंट में, सॉफ्टवेयर में कोई भी अगर चेंज होता है तो हमें उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करना है। दिस चेंजेस शुड अप्रूव्ड वैलिडेटेड एंड एबल टू ट्रेसिबल। तो क्या जो भी ये चेंजेस हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए, वैलिडेटेड होने चाहिए और ट्रेसिबल होने चाहिए। चेंज कंट्रोल डील्स एंड मेक श्योर ऑल दिस चेंजेस, और इन चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग चेंज कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो करते हैं और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं और श्योर करते हैं कि जो भी चेंजेस हुए हैं ये पूरे अप्रूव्ड है, वैलिडेटेड हैं और ट्रेसिबल हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन अबाउट ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग स्टडी डिज़ाइन इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग स्टडी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब देखते हैं इसमें आंसर, दीज आर द स्टडी डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग क्या है, दोनों क्या है स्टेबिलिटी स्टडी डिज़ाइन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के। इन अ फुल स्टडी डिज़ाइन यू हैव टू टेस्ट द सैम्पल ऑफ ऑल द डिज़ाइन फैक्टर्स एट ऑल टाइम पॉइंट्स। ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग आर रिड्यूस्ड स्टडी डिज़ाइंस। फुल स्टडी डिज़ाइन में हमें क्या है सैम्पल्स को टेस्ट करना है ऑफ ऑल डिज़ाइन फैक्टर्स में एट ऑल टाइम पॉइंट्स में, और ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग क्या है रिड्यूस स्टडी डिज़ाइंस हैं। वेन मल्टीपल डिज़ाइन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन अ स्टडी दीज आर द बेस्ट अल्टरनेटिव टू फुल स्टडी डिज़ाइन। जब कभी मल्टीपल डिज़ाइन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं
स्टडी में तो क्या होगा, दीज आर द बेस्ट अल्टरनेटिव टू ऑल टू फुल स्टडी डिज़ाइन। तो ये क्या है, मल्टीपल डिज़ाइन फैक्टर में क्या है इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं और ये बेस्ट अल्टरनेटिव है फुल स्टडी डिज़ाइन के। इफ़ यू यूज़ दीज डिज़ाइंस यू नीड नॉट टू टेस्ट ऑल द सैम्पल्स एट ऑल टाइम पॉइंट्स। अगर हम ये डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं इन डिज़ाइन को, फिर इसमें क्या होगा, हमें सभी सैंपल्स को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी एट ऑल टाइम पॉइंट्स में। दीज स्टडी डिज़ाइंस मोस्टली यूज व्हेन मल्टीपल डिज़ाइन फैक्टर्स इन्वॉल्व। और जैसा कि मैंने बताया, ये डिज़ाइन तभी होते हैं जब क्या है मल्टीपल डिज़ाइन फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो अभी ब्रैकेटिंग को समझ लेते हैं। इन दिस शेड्यूल एट ऑल टाइम पॉइंट्स ओनली एक्सट्रीम ऑफ सर्टेन स्टडी फैक्टर्स लाइक कंटेनर फिल और कंटेनर साइज और स्ट्रेंथ एट्सेट्रा सैंपल्स टेस्टेड। तो ब्रैकेटिंग में क्या होगा, जो हम कंसिडर करेंगे एट ऑल टाइम पॉइंट्स में, ओनली एक्सट्रीम्स ऑफ सर्टेन स्टडी फैक्टर्स को लाइक जैसे कंटेनर फिल और कंटेनर का साइज, उसकी स्ट्रेंथ क्या है एट्सेट्रा, इस तरह के हम लोग क्या करेंगे सैंपल टेस्ट करेंगे और यही हमारे क्या है स्टडी फैक्टर्स होंगे। ब्रैकेटिंग सपोज दैट टेस्टेड एक्सट्रीम स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट लेवल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टडी फैक्टर। अब बात करते हैं मैट्रिक्सिंग की। इन दिस शेड्यूल एट अ स्पेसिफिक टाइम पॉइंट अ सिलेक्टेड सबसेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स फॉर ऑल फैक्टर कॉम्बिनेशन वुड बी टेस्टेड। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे हम सिलेक्टेड जो भी होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स को इंक्लूड करेंगे और जितने भी स्टडी फैक्टर कॉम्बिनेशन होंगे उन सबको क्या टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट हो सकते हैं एट अ नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट टाइम पॉइंट। मैट्रिक्सिंग सपोज दैट अ गिवन टाइम पॉइंट टेस्टेड ईच सबसेट स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट द ऑल द सैंपल स्टेबिलिटी। और इसमें क्या होगा, किसी भी जो एक हमने स्टडी फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन लिया है उससे क्या है अनदर सबसेट भी टेस्ट हो सकेगा। और मैट्रिक्सिंग की जो हम डिज़ाइन फॉलो करेंगे इससे क्या है हमें ये भी पता चलेगा और हम ये भी जान पाएंगे कि जो हमारे सभी सैंपल्स स्टडी में इंक्लूड हुए हैं या उन सब ने रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग से ही रिलेटेड है। वेदर ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड इन प्रोसेस वैलिडेशन। आंसर है बोथ मैट्रिक्सिंग और ब्रैकेटिंग कैन बी अप्लाइड इन वैलिडेशन स्टडीज। तो मैट्रिक्सिंग की बात करें, हालांकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं मैट्रिक्सिंग क्या है, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ सेम प्रोडक्ट में फॉलो किया जा सकता है, डिफरेंट साइज ऑफ सेम इक्विपमेंट में फॉलो किया जा सकता है। अब बात करें अगर ब्रैकेटिंग इवेल्यूटिंग एक्सट्रीम भी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये एक्सट्रीम्स में ही इवेल्यूट करने में काम आता है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फिल वॉल्यूम्स फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट ऑपरेटिंग स्पीड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज कापा, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन दैट इज कापा। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ QMS। ये क्या QMS का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Corrective action plan to know the cause of the problems which were happened in the past and correct it. तो corrective action क्या है, ये plan किया जाता है to know the cause of problem, यानी कि problem को जानने के लिए, और अगर वो problem आती है या आ गई है तो उसको क्या है हम उसको immediately correct करेंगे जो कि ये past में problem आ चुकी है। अब बात करें अगर preventive action की, preventive action intended to prevent the problems that might happen in the future. प्रिवेंटिव एक्शन का जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रॉब्लम जो कि फ्यूचर में आने वाली है या हो सकती है उनको प्रिवेंट करने का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन अबाउट OOS रिजल्ट्स एंड OE रिजल्ट्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट इज OOS रिजल्ट्स। एनालाइज टेस्ट रिजल्ट फॉलिंग आउटसाइड द प्री डिफाइंड एक्सेप्टेंस रेंज और क्राइटेरिया मेड बाय कंपनी डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल कंपीडिया। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, किसी भी एनालाइज टेस्ट में जो रिजल्ट है वो क्या है आउटसाइड यानी कि एक्सेप्टेंस रेंज से बाहर या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से अगर बाहर चला जाता है एज पर कंपनी डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल कंपेंडिया तो हम उसे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं अगर आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन की दैट इज OOE की, उसमें किस तरह के रिजल्ट है। ऑल्दो द एनालाइज टेस्ट रिजल्ट वाज विद इन द स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होगा अगर इन केस
जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अंदर भी आया है, बट दिस रिजल्ट विल फॉल्स आउटसाइड द प्रोसीजर एक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी, यानी कि जो कि हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी थी वेरिएबिलिटी के, अगर उससे बाहर चला जाता है तो हम आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन उसको रिजल्ट बोलते हैं, लेकिन क्या ये होगा स्पेसिफिकेशन में ही, तो इसको हम OOS नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग, ऑल्सो आंसर है ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी, दैट इज स्ट्रेस स्टडी। तो स्ट्रेस स्टडी को हम लोग फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी भी बोलते हैं। फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी इंटेंडेड टू नो द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इट विल हेल्प अस टू फर्दर टू नो द मॉलिक्यूल इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी डिग्रेडेशन पाथवेज एस्टैब्लिश एंड टू वैलिडेट द मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी प्रोसीजर्स। फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी का जो मेन पर्पस है वो इसलिए है कि हम इसमें क्या है प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन को हम इसको जानते हैं, इट विल हेल्प अस टू फर्दर टू नो द मॉलिक्यूल इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी होती है जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और जो उसका डिग्रेडेशन पाथवे रहेगा जो कि हम लोगों ने वैलिडेट किया है या वैलिडेट करना है मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी प्रोसीजर्स को, उसमें ये स्टडी काम आते हैं, जैसे कि हम फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी या स्ट्रेस स्टडी बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग कंडक्टेड एट द कंडीशंस विच आर मोर सीवियर देन द एक्सेलरेटेड स्टडी कंडीशन। तो क्या है स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होगा, हम किस तरह से कंडक्ट करेंगे, इसमें क्या है जो कंडीशंस की सीवियरिटी होती है वो एज कम्पेयर टू एक्सेलरेटेड स्टडी कंडीशंस के कंपेरिजन में और ज़्यादा या मोर सीवियर होती है। फॉर अ फॉर्मल स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्ट्रेस टेस्टिंग नॉट कंसिडर्ड एज अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी रिक्वायरमेंट। तो किसी भी फॉर्मल स्टेबिलिटी प्रोग्राम में जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो एज अ रिक्वायरमेंट कंसिडर नहीं की जा सकती, इट इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी रिक्वायरमेंट। तो क्या है अथॉरिटी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द पर्पस और यूज ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग का क्या यूज़ है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं आंसर की, स्टेबिलिटी टेस्टिंग गिव्स अ कंफर्मेशन एज हाउ द क्वालिटी ऑफ स्टडी प्रोडक्ट चेंजेस विद टाइम। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, यह हमें ये कंफर्म कराता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है टाइम के साथ साथ किस तरह से चेंज होगी और कितना प्रोडक्ट हमारा स्टेबल रह सकता है। इट्स फाइंड आउट द स्टडी प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ, और ये क्या है प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को भी प्रिडिक्ट कर देता है या हम इसको स्टडी से हम फाइंड कर पाते हैं। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन एज वेल एज कंटेनर क्लोजर सिस्टम सुटेबिलिटी, इससे क्या है हम लोग जो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस है वो भी प्रोवाइड कराते हैं और उसमें रखते हैं, और हम देखते हैं कि जो कंटेनर क्लोजर सिस्टम सुटेबिलिटी है उसको भी हम क्या है स्टेबिलिटी टेस्टिंग से फाइंड करके रिकमेंड कर पाते हैं। ऑल्सो गिव्स एश्योरेंस टू द पेशेंट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो। तो क्या है स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है, साथ ही साथ ये एश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है पेशेंट को रिगार्डिंग द किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को लेकर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज अलॉन्ग विद इट्स कंडीशन। तो स्टेबिलिटी स्टडीज भी क्या है डिफरेंट तरीके की होती हैं, हम जान लेते हैं आंसर में। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी, सेकेंड है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज, और थर्ड वन है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज। अब इनके जो कंडीशंस है वो भी जान लेते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज जो है वो होती है 12 मंथ्स की, इसमें जो स्टडीज कंडीशन रहती है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहती है, प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस चल सकता है, RH इसमें रहेगा 60 प्लस माइनस 5%, और जैसा कि मैंने बता दिया इसमें 12 मंथ जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो है 12 मंथ्स। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी में जो स्टोरेज कंडीशन है वो 30 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रहेगी, RH रहेगा इसमें 60 प्लस माइनस 5% RH, एंड और जो मिनिमम टाइम पीरियड है इसको करने का वो है 6 मंथ्स। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में क्या होगा स्टोरेज कंडीशन 40 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, RH है 75 प्लस माइनस 5%, और जो मिनिमम टाइम पीरियड रहेगा इसका भी 6 मंथ्स रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज डेड लैग, आंसर है डेड लैग नॉट अलाउड इन वाटर डिजाइन सिस्टम,
तो डेड लैग क्या है? वाटर डिजाइन सिस्टम में डेड लैग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दीज आर द स्टेगनेंट एरियाज विद नो वाटर फ्लो। ये क्या है डेड लैग क्या होता है? इसमें क्या है जो वाटर फ्लो है वो बिल्कुल नहीं होता, या हम एक तरीके से बोलें इसमें क्या है वाटर फ्लो क्या है रुका रहता है। डेड लैग बेसिकली क्या है जो हमारा प्योरीफाइड जनरेशन सिस्टम होता है तो उसमें ही जो पाइपिंग होती है उसमें का ही एक पार्ट है, और पार्ट के साथ साथ एक कंडीशन में जो हमारी पाइपिंग वगैरह जो जॉइंट्स हो रखे हैं जो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें उसमें कोई डेड लैग नहीं होना चाहिए। इट अलाउज माइक्रोबियल कंटेमिनेशन रिजल्टिंग द सरफेस कोलोनाइजेशन बाय फॉर्मिंग बायोफिन। अब वाटर अगर फ्लो नहीं होगा तो क्या है स्टेगनेंट रहेगा, एक जगह पे रुका रहेगा, तो उससे क्या है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बढ़ेगा, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बढ़ेगा तो उस पर क्या बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाता है। इफ़ अ डेड लैग प्रेजेंट इन एनी केस, अगर क्या है कोई भी डेड लैग अगर प्रेजेंट है किसी भी केस में, इट शुड हैव पर्टिकुलर पाइप डायमीटर। तो क्या है उसका एक पर्टिकुलर पाइप डायमीटर होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। इन जनरल एग्रीमेंट इन इंडस्ट्री डेड लैग शुड नॉट बी मोर देन द पाइप डायमीटर। तो क्या होगा जो जनरल एग्रीमेंट होता है कि किस तरह से प्योरीफाइड वाटर सिस्टम का जो प्लांट है वो किस तरह से लगेगा, उसमें क्या है जो डेड लैग है जो पाइप डायमीटर होता है उसके डायमीटर से ज़्यादा डायमीटर नहीं होना चाहिए डेड लैग का। तो डेड लैग अगर हम लोग नॉर्मली अगर बोलें तो डेड लैग क्या है, कहीं भी जो हमारा वाटर का जो फ्लो होगा जहाँ पर क्या रुका रहेगा या प्रॉपरली वहाँ से फ्लो हो ही नहीं पाएगा तो हम उसे डेड लैग बोलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज क्लीनिंग वैलिडेशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इन्वॉल्व द अप्रूव्ड क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर एलिमिनेटिंग द प्रोसेस इक्विपमेंट और कंटेमिनेंट्स। तो क्लीनिंग वैलिडेशन क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जिसमें क्या होगा अप्रूव्ड क्लीनिंग प्रोसीजर होगा जो कि एलिमिनेट करेगा प्रोसेस इक्विपमेंट कंटेमिनेंट्स को। इट मीन्स द प्रोसेस इक्विपमेंट रेडी एंड कैन बी यूज सेफली फॉर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट प्रोडक्ट विदाउट एनी प्रीवियस कंटेमिनेंट्स। तो इसका मतलब क्या है जो प्रोसेस इक्विपमेंट है वो रेडी होगा हमारा और उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए जो कि फ्री होगा और विदाउट एनी प्रीवियस कंटेमिनेंट, यानी कि जो पुराना जो भी हमारा उसमें प्रोडक्ट था उसका कोई भी कंटेमिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि है तो वो प्रोडक्ट, लेकिन क्या अगर वो किसी नए प्रोडक्ट में अगर उसके जो क्या बोलते हैं उसके जो केमिकल कंपोजिशन के इंग्रेडिएंट्स या पार्टिकल्स अगर रह जाते हैं तो उसमें क्या वो कंटेमिनेंट हैं, यानी कि अनडिजायरेबल रेसिड्यूज हैं और वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको क्या क्लीन करना पड़ेगा। दिस कंटेमिनेंट्स में भी केमिकल, जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस जो हमारा ड्रग है अगर उसका है तो वो क्या है हम उसे कंटेमिनेंट्स को क्या बोलेंगे, वो केमिकल प्रीवियस प्रोडक्ट रेसिड्यूज, माइक्रोबियल और फिजिकल भी हो सकते हैं। माइक्रोबियल और फिजिकल में फिजिकल में क्या है पार्टिकुलेट मैटर के अलग अलग डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स यूज इन क्लीनिंग वैलिडेशन लाइक एक्वस सॉल्वेंट्स, वाटर सर्फेक्टेंट्स, एसिड्स एंड बेसिल एट्सेट्रा एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनकी क्लीनिंग के लिए क्या डिफरेंट टाइप के जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन में, जैसे कि एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट्स में आते हैं जैसे वाटर सर्फेक्टेंट्स, एसिड्स और बेसिल्स, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज वैलिडेशन मास्टर प्लान दैट इज वीएमपी। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द कंपनीज वैलिडेशन स्टडी स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच फॉर इस्टेब्लिशिंग द परफॉर्मेंस एडिक्वेसी। तो क्या है ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कंपनी का जो वैलिडेशन स्ट्रेटेजी है उसको और साथ ही साथ उसकी अप्रोच एक परफॉर्मेंस एडिक्वेसी के लिए, यानी कि एक वेल इस्टेब्लिश जो परफॉर्मेंस होगा उसको एक कंपनी किस तरह से इस्टेब्लिश कर पाती है एक वैलिडेशन मास्टर प्लान दैट इज वीएमपी के थ्रू। वीएमपी इंक्लूड्स ऑल द डिटेल्स एंड टाइम स्केल्स रिगार्डिंग द वैलिडेशन वर्क टू बी परफॉर्म। तो वीएमपी में क्या होता है सारी डिटेल्स इंक्लूड होती हैं और साथ ही साथ टाइम स्केल रहते हैं, यानी कि कितने टाइम में उन लोगों ने करना है या उस तरह से किया है और किस तरह से वैलिडेशन वर्क परफॉर्म होगा, ये सारी डिटेल वैलिडेशन मास्टर प्लान में होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन इट प्रोवाइड्स अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ये भी क्या है एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोवाइड कराता है, एश्योर करता है एश्योरिंग दैट अ पर्टिकुलर प्रोसेस प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विद प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्टेंटली। तो ये क्या करेगा कोई भी एश्योर करेगा किसी भी जैसे पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू
क्या है, कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बताएगा कि प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन और उसकी कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही वो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या है, फोर टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कंडक्टेड प्रायर टू प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन टू एश्योरिंग द प्रोसेस इज परफॉर्म एज इंटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री प्लान्ड प्लान्स। तो जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है ये क्या है, ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही कंडक्ट किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, एश्योर करने के लिए कि जो प्रोसेस है जो उससे जो परफॉर्मेंस आने वाली है वो क्या आएगी, हमारी प्री प्लान्ड प्लान्स के अकॉर्डिंग आएगी। अब बात करते हैं कंक्रेंट वैलिडेशन की, कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट रूटीन प्रोडक्शन। ये कब किया जाता है कि जबकि हमारा रूटीन प्रोडक्शन चल रहा होता है उस टाइम पर हम लोग कंक्रेंट वैलिडेशन करते हैं। अब बात आती है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन की, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हम कब करते हैं, कंडक्टेड ऑन सम प्रोडक्ट्स दोज प्रोडक्ट्स विच आर ऑलरेडी ऑन कमर्शियल मार्केट। यानी कि जब कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे कमर्शियल मार्केट में रहते हैं तो हम रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन उस टाइम पर करते हैं। द इंटेंशन इज टू एस्टेब्लिश अ लॉन्ग टर्म कंप्लायंस ऑफ द प्रोडक्ट। और जैसे कि मैंने बताया जब हमारे ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, कमर्शियल मार्केट में प्रोडक्ट हैं, और तभी हम रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करते हैं, और ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ही करते हैं, और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा इंटेंशन रहने वाला है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्या है, लॉन्ग टर्म कंप्लायंस आए। अब बात आते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट वैलिडेशन की, रीवैलिडेशन। दिस इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ वैलिडेशन। तो ये क्या है, रीवैलिडेशन क्या है, जैसा कि नाम से पता चला है रीवैलिडेशन, ये क्या है, रिपीटेशन है वैलिडेशन का। ही कंडक्टेड टू एश्योरिंग दैट द चेंजेस मॉडिफिकेशन डन इन इक्विपमेंट और प्रोसेस इन अकॉर्डिंग टू चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स दोज चेंज आर नॉट इफेक्टिंग द इक्विपमेंट और प्रोसेस एंड देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस एडवर्सली। और रीवैलिडेशन जो जनरली कई बार किया जाता है कि अगर कोई भी हमने चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया किसी भी इक्विपमेंट में, किसी भी प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के, तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्या है, इक्विपमेंट और हमारे प्रोसेस को, या जो उसके थ्रू हम जो क्या है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लें उसको एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या है रीवैलिडेशन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज इज ऑलवेज कैप्ट इन क्लोज लूप इन कंटिन्यूस सर्कुलेशन। इसका आंसर देखते हैं, वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अ हाईली पैथोजेनिक विच कॉजेज सीरियस डिजीज, मैनी डिजीज आर वाटर बॉर्न। दीज पैथोजेंस इनफेक्ट आफ्टर कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेंड टू सेटल ऑन अ सरफेस इफ वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ स्टैग्नेंट पोजिशन फॉर फ्यू आवर्स। तो वाटर क्या बेस्ट मीडियम है बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हाईली पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, और उससे क्या बहुत से सीरियस डिजीज हो सकती है, और बहुत से माइक्रोजम्स क्या वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, वाटर बोन होते हैं, और दिस पैथोजन इन्फेक्ट, और ये हम लोगों को किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं, जब हम वाटर को कंटेमिनेटेड वाटर को जब कंज्यूम करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है जो वाटर की सरफेस पे से सेटल होते हैं वो क्या है हम लोगों को क्या है कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू क्या इन्फेक्ट कर सकते हैं। और वाटर अगर बहुत टाइम पर किसी स्टैग्नेंट पोजीशन पर स्टैंड है, यानी कि मूवमेंट ही नहीं उसमें, फ्लो ही नहीं है, और कुछ आवर्स के लिए वहाँ पे रुका हुआ है, तो क्या है इनमें ग्रोथ आ सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और दिस सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ फिल्म ओवर द सरफेस ऑफ वेसल एंड पाइपिंग। सच फिल्म फॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोफिल्म। तो क्या है किसी भी सरफेस के ऊपर, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर या जो वाटर है हमारा रुका हुआ है तो उसमें क्या एक बायोफिल्म आ जाती है, और उस बायोफिल्म की वजह से क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कंटिन्यूस बढ़ती चली जाएगी, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और इसको हम बेसिकली बायोफिल्म बोलते हैं जब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक लेयर बन जाती है किसी भी सरफेस पे। बायोफिल्म्स आर वेरी डिफिकल्ट ऑफ रिमूव। वंस अ बायोफिल्म इज फॉर्म्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन दैट पॉइंट मे फॉर्म अ बायोफिल्म अगेन इवन आफ्टर क्लीनिंग वेरी इजली एज सीड फ्रॉम दिस पॉइंट इज मे नॉट कम्प्लीटली गेट रिमूव इफेक्टिवली। तो बायोफिल्म को क्या है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिमूव कराना, अगर क्या है बायोफिल्म पहली बार ही अगर बन गई है और किसी भी एक पॉइंट पर, तो उससे क्या अगर हम उसकी क्लीनिंग कर भी नहीं अगर तो बहुत ईजिली क्लीनिंग हो भी नहीं पाती, और अगर उसमें प्रीवियसली कोई सीड्स बच गए यानी कि कुछ सेल्स वगैरह या कुछ भी स्पोर्स या कुछ भी बच गया है
तो वो क्या है, दोबारा से वो पैराफिन बना देगा और इफेक्टिवली हमारे लिए क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बायोफिल्म डेट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स, देयरफॉर प्योरिफाइड वाटर आफ्टर कलेक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑलवेज केप्ट इन अ क्लोज लूप इन अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन। बायोफिल्म क्या है, एक क्या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का एक सोर्स हो सकता है, तो देयरफॉर प्योरिफाइड वाटर आफ्टर कलेक्शन, और इसलिए क्या, जो प्योरिफाइड वाटर है कलेक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमेशा एक क्लोज लूप कंटिन्यूस सर्कुलेशन में रखा जाता है, जिससे कि कंटिन्यूस जो फ्लो है वो रहे और क्या एक स्टैग्नेंट कंडीशन ना आए जिससे कि बायोफिल्म बने। अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन इज ऑल्सो नॉट इनफ एट सम पॉइंट्स, और क्या है कई बार क्या जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है ये भी इनफ नहीं हो पाता, देयरफॉर इट इज एडेड विद हाई टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 65 to 80 डिग्री सेल्सियस, और इसी के हेल्प के लिए हम क्या करते हैं हाई टेम्परेचर रेंज जैसे 65 to 80 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या करते हैं मिनिमम रेंज है 65 डिग्री सेल्सियस कंसिडर सेल्फ सैनिटाइजिंग, और इससे क्या सेल्फ सैनिटाइजिंग हम करेंगे, बट बेटर एश्योरेंस इज ऑब्टेंड विद अ टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 65 से 80 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज है 65 मिनिमम है 80 मैक्सिमम है, जो 80 डिग्री सेल्सियस है उससे क्या जो सेल्फ सैनिटाइजिंग होगी जो हमारा लूप है उसमें, तो क्या इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और 80 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये काफ़ी एश्योर करता है और बेस्ट रिजल्ट इससे ऑब्टेंड होते हैं। प्योरीफाइड वाटर कलेक्टेड शुड बी स्टोर्ड इन अ स्टेनलेस स्टील वेसल, और जो प्योरीफाइड वाटर जो हम कलेक्ट करते हैं वो क्या ऐसे स्टील वेसल में हमें कलेक्ट करना चाहिए, और विच मस्ट फैसिलिट डिस्ट्रीब्यूशन टू द पॉइंट टू यूज अ क्लोज लूप ऑफ कंटिन्यूस सर्कुलेशन। टैंक शुड बी मेड ऑफ कोरोजन फ्री मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मस्ट फैसिलिटेट द सैनिटाइजेशन एंड ईजी क्लीनिंग, और हमारा जो टैंक है वो क्या क्रोजन फ्री होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो और क्या है उसमें ईजिली हम लोग सैनिटाइजेशन कर सकें, ईजी क्लीन कर सकें, उसमें कंटिन्यूस सर्कुलेशन हो, इस तरह से जो हमारा टैंक है इस तरह से बना होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ओरिजिनल कंटेनर रिक्वायर्स एनी स्टेबिलिटी स्टडी। अगर हम किसी भी ओरिजिनल कंटेनर में कोई भी अगर उसका साइज या शेप चेंज कर देते हैं तो स्टेबिलिटी स्टडी की जरूरत होती है। चेंज इन द आंसर है, चेंज इन द साइज और शेप ऑफ ओरिजिनल कंटेनर मे नॉट नेसेसिटेट द इनिशिएशन ऑफ न्यू स्टेबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैलिडेशन समरी रिपोर्ट। तो वैलिडेशन समरी रिपोर्ट्स प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर वैलिडेशन प्रोजेक्ट। तो वैलिडेशन समरी रिपोर्ट क्या है, एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है एंटायर वैलिडेशन प्रोजेक्ट पर। व्हेन रेगुलेटरी ऑडिटर्स रिव्यू वैलिडेशन प्रोजेक्ट्स दे टिपिकली बिगिन बाय रिव्यूइंग द समरी रिपोर्ट। जब भी कोई रेगुलेटरी ऑडिटर होते हैं वो अगर वैलिडेशन प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं समरी रिपोर्ट को रिव्यू करने से। द वैलिडेशन समरी रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैलिडेशन प्रोजेक्ट, ऑल टेस्ट केसेस परफॉर्म्ड इंक्लूडिंग इफ दोज टेस्ट केसेस पासेस विदाउट इशू, ऑल डेविशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग हाउ दोज डेविशन वर रिजॉल्व्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल वाटर सिस्टम। क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल वाटर सिस्टम इन्वॉल्व थ्री फेजेस। तो वाटर के क्वालिफिकेशन में क्या है, थ्री फेजेस होती है, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री। बात करें अगर फेज वन की, अ टेस्ट पीरियड ऑफ 2 to 4 वीक्स शुड बी स्पेंड फॉर मॉनिटरिंग द सिस्टम इंटेंसिवली। तो क्या है 2 to 4 वीक्स हमें क्या है जो वाटर सिस्टम है उसको क्या है इंटेंसिवली मॉनिटर करना होता है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिस्टम शुड ऑपरेट कंटिन्यूसली विदाउट फेलर और परफॉर्मेंस डेविएशन। और इस पीरियड में हमें क्या करना होता है, इसको ऑपरेट करना होता है कंटिन्यूसली, इसमें कोई फेलर नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह का कोई परफॉर्मेंस डेविएशन नहीं आना चाहिए। वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इन दिस फेज। और फर्स्ट फेज में क्या होगा, हम वाटर को मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड इन टेस्टिंग अप्रोच। फेज वन में क्या है हमें कुछ इंक्लूड किस तरह से हमें टेस्टिंग अप्रोच रहने वाली है, हमें उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम इंक्लूड करेंगे, अंडरटेक केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग अकॉर्डिंग विद अ डिफाइंड प्लान। हम क्या है इसमें केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग को करेंगे एक डिफाइंड प्लान के थ्रू। सैम्पल इनकमिंग फीड वाटर डेली टू वेरीफाई इट्स क्वालिटी, सैम्पल ईच स्टेप ऑफ प्योरीफिकेशन प्रोसेस डेली, सैम्पल ईच पॉइंट ऑफ यूज डेली, develop appropriate operating ranges, demonstrate production and delivery of product water of required quantity and quality, use and refine SOPs for operation,
मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन एंड ट्रबल शूटिंग, वेरीफाई प्रोविजनल अलर्ट एंड एक्शन लेवल्स, डेवलप एंड रिफाइन टेस्ट फेलियर प्रोसीजर्स। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट फेज की, फेज टू के, अ फर्दर टेस्ट पीरियड ऑफ 2 to 4 वीक्स। इसमें भी क्या है, 2 to 4 वीक्स के लिए हम लोग टेस्ट पीरियड रखेंगे और सैम्पलिंग स्कीम विल बी सेम एज फेज वन। और इसमें जो सैम्पलिंग स्कीम है वो फेज वन की तरह ही होगी। वाटर कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन दिस फेज, अप्रोच शुड बी ऑल्सो। इस केस में सेकेंड फेज में क्या होगा, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए वाटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ इसमें भी अप्रोच रहने वाली हैं, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट ऑपरेशन विद एस्टेब्लिश रेंजेस, डेमोस्ट्रेट कंसिस्टेंट प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब बात करें अगर फेज थर्ड की, फेज थर्ड रन फॉर 1 ईयर, तो फेज थर्ड क्या है, पूरे 1 ईयर के लिए रन करती है आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ फेज टू। जैसे ही हमारा फेज वन के बाद फेज टू पूरा होगा, फेज टू का जैसे फेज थर्ड टू पूरा होगा, उसका जो फेज थर्ड करेंगे वो 1 ईयर के लिए होगी। जब हमारी फेज टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट होगी तब वाटर कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस केस में भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हम वाटर यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स होंगे फेज थर्ड के लिए, उनको देख लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट एक्सटेंसिव रिलायबल परफॉर्मेंस, एंश्योर डेट सीजनल वेरिएशन आर इवेल्युएटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सीजनल वेरिएशन होने वाले हम इस जो थर्ड फेज थर्ड है उसमें हम लोग इवेल्यूएट कर सकते हैं, जो कि हम फेज वन और फेज टू में नहीं कर पाते क्योंकि वो 2 to 4 वीक्स की होती है। द सैंपल लोकेशन, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड टेस्ट शुड बी रिड्यूस टू द नॉर्मल रूटीन पैटर्न बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश प्रोसीजर प्रूविंग ड्यूरिंग फेज वन एंड फेज टू। इसमें क्या, हम लोग जो सैम्पलिंग लोकेशन है उनको रिड्यूस कर देते हैं और इस्टैब्लिश हमारा एक जो क्राइटेरिया रहता है कि हम फेज वन और फेज टू में जिस तरह से हमने एक्सटेंसिवली सैम्पलिंग वगैरह करी होती है उस हिसाब से क्या, हम लोग फेज थर्ड में सैम्पलिंग को रिड्यूस कर लेते हैं, रूटीन पैटर्न पे ले आते हैं और जो हमारा वाटर वैलिडेशन है वो बेसिकली 3 फेज में होता है, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस क्वालिटी एश्योरेंस इंटरव्यू से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियोज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।